इन तीनों का सम मिला के हमेशा 360 होगा चाहे वो कोई भी पॉलीगन हो चाहे वो आपका ट्राइंगल हो चाहे वो आपका स्क्वायर हो चाहे वो आपका पेंटागन हो हेक्सागन हो कुछ भी हो जितने मर्जी एंगल्स हो उसका सम हमेशा क्या होगा 360 डिग्री और इसको हम क्या बोलते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज़ थ्री डिग्री जैसे कि फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हो कि हमारे पास तीन एक्सटीरियर एंगल्स हैं वन ट्वेंटी फ़ाइव सेकेंड इज वन ट्वेंटी फाइव थर्ड वन इज़ एक्स डिग्री तो आपके पास क्या होगा वन ट्वेंटी फ़ाइव प्लस वन ट्वेंटी फाइव प्लस एक्स डिग्री इज़ इक्वल टू थ्री सिक्सटी वन ट्वेंटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी फ़ाइव कितना हो गया टू फिफ्टी डिग्री एक्स डिग्री और थ्री सिक्सटी है हमारे पास क्यों हमने प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल थ्री सिक्सटी डिग्री सो येस एक्स की वैल्यू निकल आएगी हमारे यहाँ से 360 सिक्सटी माइनस टू इट विल गिव यू एक्स एस 110 हंड्रेड टेन डिग्री सेकेंड केस में देखते हैं सेकेंड केस में आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या है वन एंगल इज सेवेंटी अदर वन एज़ एक्स और अगर ये नाइन्टी है तो इसका एडजेसेंट क्या होगा नाइन्टी डिग्री ये तो नाइन्टी दिया ही हुआ है ऑलरेडी हमें सारे एक्सटीरियर एंगल लेना है एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या होता है बाहर वाले ये गलती से भी कंसिडर मत करना बाहर वाले सो so, सबसे पहले एंगल आपका क्या हो गया सेवेंटी नाइन्टी सिक्सटी नाइन्टी प्लस एक्स इज़ इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री सेवेंटी प्लस सिक्सटी प्लस सिक्सटी सॉरी 70 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 विल गिव यू 310, 310 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री x की वैल्यू कितनी आ गई 360 सिक्सटी माइनस 310, टेन माइनस थ्री कितना होता है 50 डिग्री x की वैल्यूज़ 50 डिग्री सो so x की मेजरमेंट हमारे पास आ गई है सेम थ्योरम यूज़ किया हमने सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी डिग्री so yes first one is 110 second one is 50 degree now we'll be moving to the second question of it